हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कॉपिक्स। एंड कैसे आप सब लोग, आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। सो गाइस, एज आई प्रॉमिस, आज दोबारा से एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार हम रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ह्यूंडई वेन्यू को एंड जानेंगे इस कार के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। और अगर आप भी इस कार को लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करना ना भूलिएगा। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं इस कार के पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस कार में जो मुझे फील होता है वो इस कार में मिलने वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन है। इस कार में आपको वैरायटी ऑफ इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन मिलते हैं जो कहीं ना कहीं एंड यूजर के लिए ना एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाते हैं। इस कार में आपको 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, इस कार में आपको 1 लीटर का टर्बो इंजन देखने को मिलता है एंड साथ साथ 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। तो बहुत सारे इंजन ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। प्लस ट्रांसमिशन ऑप्शन की बात करूं तो मैनुअल मिल जाता है, आप इसको IMT इसमें आपको मिल जाता है, प्लस ऑटोमेटिक DCD का भी ऑप्शन इसमें आपको मिलता है। तो बहुत सारे इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन कहीं ना कहीं लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोग चूज कर सकते हैं और एक पॉजिटिव पॉइंट बन के आ जाता है इस कार में। तो मेरे हिसाब से जो फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट था वो इसमें मिलने वाले इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शन थे। उसके अलावा बात करूं सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की जो मुझे फील होता है इस कार में, वो है इस कार का जो फिट एंड फिनिश है। कार में फिट एंड फिनिश बहुत अच्छा दिया हुआ है। इनफैक्ट आप ह्यूंडई की कोई भी कार अगर आप देखोगे तो फिट एंड फिनिश जैसे प्रॉब्लम आपको ह्यूंडई की कारों में देखने को नहीं मिलता। सेम गोज फॉर वेन्यू, वेन्यू में भी आपको बहुत ही अच्छा फिट एंड फिनिश देखने को मिलता है कार में। कार के इंटीरियर की बात करूं तो इंटीरियर भी काफ़ी मॉडर्न अप टू डेट लगता है। इंटीरियर क्वालिटी भी जो यूज़ की गई है प्लास्टिक क्वालिटी इंटीरियर में, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा एक्सटीरियर में भी आपको कहीं से कोई पैनल गैप्स वाली शिकायत देखने को नहीं मिलती। एंड अगर आप एक ऐसे कस्टमर हो जिसको अपने फिट एंड फिनिश से कोई समझौता नहीं करना कार में, आपको चाहिए कि यार आपकी कार में ये फिट एंड फिनिश वाले इशू ना हो, तो उस केस में भी ये कार एक बड़ी ऑप्शन बन के आती है। बिकॉज इसमें वो फिट एंड फिनिश और वाले इशू, जो पैनल गैप वाले इशू जो आपको और ब्रांड्स में देखने को मिल जाते हैं, वो इस कार में आपको देखने को नहीं मिलते। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो दोबारा कार के इंजन से रिलेटेड है। कार में जो इंजन रिफाइनमेंट है और जो इंजन परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़िया है। बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड इंजन है इसका। गियर भी आप देखोगे इस कार में बहुत स्मूथ गियर है, क्लच बहुत लाइट है। आपको जो एक NVH लेवल जैसी प्रॉब्लम्स बाकी कार्स में देखने को मिलती हैं वो इस कार में बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही साइलेंट है, कैबिन बहुत साइलेंट है, कार के बाहर भी आपको ज़्यादा कोई शोर नहीं आता। मेरा मानना है कि जो ह्यूंडई वेन्यू है ना, वो इस सेगमेंट की वन ऑफ द साइलेंट कारों में से एक है। बहुत ही ज़्यादा साइलेंट कार है ये। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने इसके बोनट में भी कोई इंसुलेशन प्रोवाइड नहीं करी है, इसके बावजूद ये कार बहुत ज़्यादा साइलेंट फील होती है। कैबिन के अंदर कोई भी नॉइज और वाइब्रेशन आपको इशू नहीं होता फील। इसके अलावा बाहर से भी कार का इंजन बहुत ज़्यादा साइलेंट है। तो ये भी इस कार का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर जिन लोगों को ऐसी कार चाहिए भैया, जिनको नहीं पसंद ये सब शोर शराबा, ये सब वाइब्रेशंस कार के अंदर नॉइज वगैरह, उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है बिकॉज इंजन रिफाइनमेंट और NVH लेवल इस कार में बहुत ज़्यादा लो है। बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट में मैं कहीं ना कहीं इस कार की माइलेज को रखना चाहूंगा। आई नो इस पॉइंट में बहुत लोग मेरे से डिसएग्री होंगे। कई लोगों का मानना है कि ह्यूंडई वेन्यू एक अच्छी माइलेज निकाल के नहीं देती, बट बिलीव मी गाइस, मैंने इसको पर्सनली इस कार का एक्सपीरियंस हमने चलाया है इस कार को, एंड बिलीव मी अगर आप इसको एक डिसेंट तरीके से ड्राइव करते हो तो ये कार आपको एक अच्छा माइलेज भी निकाल के देती है। मैंने इन पर्सन इस कार का माइलेज टेस्ट किया हुआ है एंड ये सिटी में ये कार आपको अराउंड 13-15 के बीच में माइलेज निकाल के देती है। एंड वहीं बात करें हाईवे में तो ये हाईवे में 20 प्लस की माइलेज भी हमने इस कार में अचीव की हुई है। तो जिन लोगों को लगता है कि ह्यूंडई वेन्यू में माइलेज का इशू है, मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं होता। ह्यूंडई वेन्यू आपको एक अच्छी माइलेज निकाल के देती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मैंने इस पॉइंट को इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में रखा है। हो सकता है कि आप लोगों में से कोई लोग डिसएग्री करें मेरे बात पे। अगर आप लोग भी ह्यूंडई वेन्यू से एक अच्छी माइलेज निकाल पा रहे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज मेरे को पर्सनली लगता है कि ये कार माइलेज के मामले में कोई बुरी कार नहीं है, एक अच्छा माइलेज आपको ही निकाल के देती है। इसीलिए ये पॉइंट कहीं ना कहीं हमने इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में काउंट किया है। बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं इस कार के आफ्टर सेल सर्विसेज रिलेटेड है। आफ्टर सेल सर्विसेज में ह्यूंडई वेन्यू आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली। ह्यूंडई एज अ ब्रांड बहुत वेल नोन ब्रांड है, काफ़ी टाइम से इंडियन मार्केट में है, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज वाले इशू आपको इस ब्रांड में के साथ देखने को नहीं मिलते। एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विसेज आपको इसमें प्रोवाइड होती है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में आपको इस कार के साथ दुखी होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी अच्छा आफ्टर सेल सर्विस एक्सपीरियंस रहता है अगर आप इस ब्रांड की तरफ जाते हो। सो बात करें नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं कार की रिलायबिलिटी से जुड़ा हुआ है।
ये एक ऐसी कार है जिसको लेके आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार इस कार को लिया, आप 14-15 साल 10-12 साल इस कार को इजिली चलाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रिलायबिलिटी के मामले में Hyundai Venue के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ज्यादा रिलायबल कार है। और अगर आप देख रहे हो कि ऐसी कार जिसमें आपको ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े, तो आंखें बंद करके आप इस कार की तरफ जा सकते हो। सो गाइस, ये तो रहे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट। अब बात करते हैं इस कार के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस कार में फील होता है, वो कहीं ना कहीं इस कार में मुझे फॉग लैम्प की कमी मिस होती है। फॉग लैम्प की जगह इन्होंने सिंगल हेडलैम्प यूनिट दी हुई है, जिसका थ्रो डिसेंट है, एंड कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे फॉग लैम्प की जो कमी है ना, स्पेशली जब हम फॉगी कंडीशन में चलाते हैं, जब विजिबिलिटी थोड़ी कम होती है, तो उस समय फॉग लैम्प की कमी मुझे पर्सनली फील होती है इस कार में। इसीलिए इस पॉइंट को मैंने इसके एक नेगेटिव पॉइंट में रखा है। सो बात करें इसके नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट कहीं ना कहीं कार की सस्पेंशन से जुड़ा हुआ है। इस कार में के जो सस्पेंशन है वो थोड़े स्टिप लगते हैं मुझे, थोड़े स्टिप ट्यून किए गए हैं, इसीलिए आपको कई जगह जर्क फील होता है। तो सस्पेंशन वाइज मुझे कार ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं फील होती है, इसीलिए इस पॉइंट को मैंने इसके नेगेटिव पॉइंट में लगाया है। अगर आप लोग Hyundai Venue ओन करते हो, तो आप भी मुझे प्लीज़ इस बारे में बताइए कि आपको क्या लगता है Hyundai Venue की सस्पेंशन के बारे में। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ, तो इसमें मुझे फील होता है कि जो पार्किंग सेंसर्स इन्होंने दिए हुए हैं कार में, दो पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं, जो मुझे लगता है कि कंपनी को 4 पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड करने चाहिए। तो ये एक कमी है जो मुझे फील होती है, बिकॉज आप देखोगे इसके जो पार्किंग सेंसर्स आपको साइड में नहीं मिलते, तो इफ इन केस आप बैक करते समय आपके साइड में कार लग सकती है। अगर वहाँ पार्किंग सेंसर्स, 4 पार्किंग सेंसर इन्होंने दिए होते, तो कहीं ना कहीं ये एक और अच्छा पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है इस कार के लिए। तो मुझे फील होता है, ऑल्दो बहुत छोटा सा एक पॉइंट है ये, बट मुझे फील होता है कि 4 पार्किंग सेंसर इस कार में होने चाहिए थे। बात करें नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट में ना, मेरे को कहीं ना कहीं इस कार में कैबिन स्पेस जो है ना, उसमें थोड़ा कमी दिखती है, स्पेशली रेयर सीट्स में। अगर मैं देखोगे रेयर सीट्स में, अगर आप देखो तो पीछे 2 बंदा और 1 बच्चा बैठ सकता है, इतना ही स्पेस इसकी रेयर सीट्स में है। 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड आप बिठा सकते हो। तो पीछे मुझे जो लगता है रेयर स्पेस जो है इसका, वहाँ पे थोड़ा सा नैरो है कैबिन, एंड वहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी होती है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है इस कार में। इसके अलावा 2-way adjustment आपको इसमें रिक्लाइन एंगल मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड रिक्लाइन एंगल तो कार का अच्छा है, बट थाई सपोर्ट के मामले में आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हो, बिकॉज थाई सपोर्ट पीछे थोड़ा कम मिलता है, स्पेशली रेयर सीट्स में थाई सपोर्ट की कमी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे लगता है कि इस कार में नेगेटिव है। बात करें अपने नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की, तो नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट मुझे कहीं पर्सनली फील होता है कि कहीं ना कहीं कि जो Hyundai की जो सर्विस कॉस्ट आती है, जो इनके पार्ट्स आते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली होते हैं। सो हो सकता है आपको उसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी एक्स्ट्रा पे करनी पड़े कंपेयर टू अदर ब्रांड्स। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस कार के जो मुझे फील होते हैं। बट अगर मैं बताऊँ पर्सनली, ये कार मुझे बहुत अच्छी लगती है, एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। अगर आप देखोगे Hyundai Venue, ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है, एंड अगर आप लेना चाहते हो इस कार को, तो डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हो। तो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए।